मोदी जी का ड्राइंग मैंने बनाया है, और इसको मैं बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को एक्चुअली मेरे को 4 दिन लग गए इसको बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा कर करके ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि मेरा ट्यूशन और स्कूल भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कर रहा हूँ। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो देखें कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं बताया हूँ, और कैसे कैसे हाइलाइट्स, कैसे कैसे मैंने शेडिंग किया सब कुछ, तो आप देखें इस वीडियो को। मैं पहले राउंड मेकअप ब्रश में थोड़ा सा चारकोल लेके पहले मैं बेस लेयर को बना दूंगा। और अभी मैं फ्लैट ब्रश से ब्लेंडिंग करूंगा और टिश्यू पेपर से भी ब्लेंडिंग करूंगा। और ये रबर है जिसमें 2 बैटरी डालने से इसका जो रबर है वो ऐसे घूमता है, तो घूमने से तो जो हाइलाइटिंग पार्ट्स होता है ना, तो वो आराम से हो जाता है। तो मैं भी इसको भी यूज़ करूँगा इस मोदी जी के हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग में। वहाँ से मैंने ये चाको पेंसिल लिया था, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो आप भी ले सकते हो। और मैं जो मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा था ना, तो उसके ऊपर से चारकोल आ गया था बहुत ज़्यादा, तो हाइलाइटिंग पार्ट में जब मैं उसको अप्लाई किया कर रहा था तो वहाँ पे डार्क कलर आ जाता था, मतलब डार्क शेड आ जाता था, तो इसलिए मैं इसको टिश्यू में अच्छे से ऐसे रफ करके इसको साफ करके फिर इसको यूज़ करूँ। मैकेनिकल इरेजर यूज़ करूँगा, और मैकेनिकल इरेजर में 2 लीड होता है, मतलब और लीड भी इरेजर ही होता है, लेकिन एक इरेजर पतला और बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और एक इरेजर बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो जो मोटे वाले इरेजर में आप बड़े बड़े एरियाज को डॉट डॉट या फिर हाईलाइट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और जो है स्मॉल वाला मतलब पतला वाला ये इरेजर, तो आप उसको छोटे छोटे डॉट्स की कोई छोटे छोटे डिटेलिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने मैकेनिकल इरेजर की मदद से जो हाइलाइट्स किए हैं मैंने बियर्ड में और हेयर में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग करने के लिए मैं 4B पेंसिल में थोड़ा थोड़ा सा उसमें एक एक जगह में ऐसे ब्लैक कलर के लाइंस खींचूंगा, मतलब लाइंस तो नहीं, थोड़ा सा डार्क करूँगा किसी की जगह में। तो ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, मेरा अभी न्यू चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना।